बायोलॉजी का मेरा क्लासेस में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम विटामिन B6 एंड B7 के बारे में बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है, इनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन B6 के बारे में बात कर लेते हैं। B6 विटामिन B6, तो इसका रासायनिक नाम क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसको बोलते हैं पायरियोडॉक्सिन, पायरियोडॉक्सिन के नाम से भी फ्रेंड्स इसको जाना जाता है। इसको पायरिडोक्सा माइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और दूसरा इसको पायरिडोक्सल के नाम से भी इसको फ्रेंड्स जाना जाता है। पर ज़्यादातर यही पूछा जाता है इसको किसके नाम से जाना जाता है, पायरिडोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको पायरिडोक्सिन के नाम से जाना जाता है। ये सभी उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका रासायनिक नाम है और आप इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है पायरिडोक्सिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सोर्स कौन कौन से होते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दूध हुआ, अंडा हुआ, दूध अंडा और यकृत, दूध अंडा यकृत, ईस्ट हुआ, ईस्ट और जितने भी जो खाद्यान्न होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स जो खाद्यान्न होते हैं, और जो मांस हुआ, मांस और गेहूं में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इसके इसकी कमी से जो कौन कौन से रोग होते हैं, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। पहली डिसीज कौन सी होती है, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोनिक बोलते हैं। हाइपोक्रोनिक में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, मानसिक विकार या विकृति, मानसिक विकृति यानी कि मेंटल डिप्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, मानसिक विकृति हो जाती है, इसमें मानसिक विकृति हो जाती है यानी कि मेंटल डिप्रेशन हो जाता है। और क्या होता है इसमें, एक और डिसीज कौन सी होती है, एनीमिया, इसमें क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है इसमें, डर्मेटोटिस क्या हो जाता है फ्रेंड, इसमें डर्मेटोटिस इसमें क्या हो जाता है, डिसीज हो जाती है इसमें, यानी कि त्वचा कैसी हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है। हाइपोक्रोनिक में क्या होता है, मानसिक विकार हो जाता है, इसमें मानसिक विकृति हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड, मानसिक विकृति हो जाती है। और एनीमिया रोग में क्या हो जाता है, जो खून की जो आपने देखा होगा उसमें कमी हो जाती है, एनीमिया में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन एक और इसमें क्या रहता है, जो जठर होती हैं, जिसको जठर तंत होती है, अपना जठर तंत्र होता है, उसमें क्या होती है फ्रेंड, अनियमितता आ जाती है। क्या आती हैं, अनियमितताएँ आ जाती हैं फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ में आपको इसके ये नाम हो गए, और आप अपन कार्य के बारे में भी इसके बात कर लेते हैं, कार्य क्या होता है, कार्य तो इसके जो कार्य है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, यह कुछ मात्रा में आपको किस में, यकृत में भी पाया जाता है,
यह कुछ मात्रा में यकृत में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ मात्रा में यकृत में पाया जाता है। और जो मस्तिष्क होता है अपना, मस्तिष्क एंड जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में क्या रहता है, ये संग्रहित रहता है, संग्रहित रहता है, यानी कि स्टोर रहता है। किसमें रहता है, यकृत हुआ, अपना माइंड हुआ, मस्तिष्क हुआ और मांसपेशियां हुई, इसमें क्या रहता है, ये स्टोर रहता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसी के बारे में, इसमें ये क्या रहता है, एक जो टायरोसिन तथा जो अन्य जो अमीनो अम्ल होते हैं फ्रेंड्स, जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन तथा अन्य अमीनो अम्ल, टायरोसिन तथा अन्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनमें अन्य अमीनो अम्लों के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक रूप में क्या है, ये कार्य करता है। अम्लों के उपापचय में से एंजाइम की भांति क्या करता है, सह एंजाइम से एंजाइम की भांति क्या करता है फ्रेंड्स, ये एंजाइम की भांति कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके, ये हो गए फ्रेंड्स। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, मैं नोट लगा के बता देती हूँ यहाँ पे, मैं बताना भूल गई थी। उसमें मैंने जो पहला ग्रह के बारे में बात की थी, पहला ग्रह के बारे में बात की थी, जहाँ मैंने 3D और 4D, इसको तो फ्रेंड 3D डिसीज बोलते हैं, इसको 4D सिंड्रोम बोला जाता है। सिंड्रोम समझ के अपन यहाँ विटामिन का अनुमान नहीं लगाएंगे, अपन इसको जेनेटिक्स में ले जाएंगे कि कोई जेनेटिक डिसीज है, लेकिन यहाँ ये विटामिन की बात होती है। नाम तो इसका 4D सिंड्रोम करके पूछा जाता है, लेकिन ये कैसा होता है उसी के बारे में पूछा जाता है। मैंने आपको 4D के बारे में बता दिया था, कौन से होते हैं, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया और डेथ, ये 4D के बारे में होते हैं, बाकी की 3 इसके बारे में होते हैं। और ये क्या रहता है, पहला ग्रह के अंदर ही ये सारी डिसीज आती हैं, 3D और 4D, मैं वहाँ आपको बताना भूल गई थी। और दूसरी चीज़, पहला ग्रह एक ही प्रकार की दाल खाने से हो जाता है, एक ही प्रकार की दाल खाने से हो जाता है। स्पेशल जो मक्का होता है उसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें से। तो फ्रेंड्स, ये तो विटामिन 6 के बारे में था, और ये मैंने किसके बारे में बताया था, विटामिन B3 के बारे में बताया है, मैं वहाँ बताना भूल गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ बता दिया विटामिन B3 के बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लेना, मैंने वहाँ इसको बताया नहीं है, याद भूल गई थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ इसे नोट, जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो जरूर देखेंगे इसको, और यहाँ मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं विटामिन बी सेवन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। विटामिन बी सेवन में अपन बात कर लेते हैं इसके रासायनिक नाम। तो सबसे पहले इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है अपन देख लेते हैं। तो इसके जो रासायनिक नाम होता है विटामिन बी का क्या होता है, विटामिन, इसको रासायनिक नाम है बायोटिन,
और इसको फ्रेंड्स इसको विटामिन B7 भी बोलते हैं, और इसको अन्य नाम से भी विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन H जो बहुत पूछा जाता है, H के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स, इसको विटामिन B7, विटामिन H और बायोटिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब अपन इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्रोत, इसके स्रोत कौन कौन से हैं तो मैं बता देती हूँ, मांस हुआ, गेहूँ हुए, अंडा हुआ, मूंगफली हुई, और जो भी हरी सब्जियां हैं फ्रेंड्स, हरी सब्जियां जितनी भी हैं उनमें ये आपको देखने को मिल जाएगा, ताजी हरी सब्जियां में और ईस्ट में भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके स्रोत हो गए, स्रोत के अलावा इसकी कमी से जो रोग होते हैं, कमी से जो रोग होते हैं कौन कौन से होते हैं तो अपन देख लेते हैं, इसकी कमी से कौन से होते हैं। तो इसमें जो मानसिक अवसाद होता है, और मांसपेशियाँ कैसी होती हैं, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, और बालों का झड़ना इसमें कम हो जाता है। तो मैं इसको बताती हूँ, इसमें क्या, पहला बता देती हूँ मैं, इसमें बसी यकृत हो जाता है। यकृत कैसा हो जाता है, बसी हो जाता है, यानी उसमें क्या हो जाती है, फैट ज़्यादा जमा हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है इसकी कमी से, इसमें एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और तीसरा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें जो डर्मेटाइटिस, यानी त्वचा कैसी हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है। फोर्थ क्या होता है इसमें फ्रेंड, जो मुहासे होते हैं ना, मुहासे इसी की ही विटामिन B7 की कमी से हो जाते हैं, यानी कि BH की कमी से। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो मानसिक अवसाद हुआ, मांसपेशियों में दर्द हुआ, बालों का झड़ना हुआ, हेयर फॉल हुआ, बायोटिन की कमी से ही होता है। आपने देखा होगा प्रचार में कई सारे शैम्पू में भी लिखा होता है बायोटिन सही हो जाता है। अपन एक और भी देख लेते हैं क्या होता है, मानसिक अवसाद फ्रेंड्स, इसमें क्या देखने को मिलता है, मानसिक अवसाद देखने को मिलता है। दूसरा आप देख सकते हो मानसिक अवसाद हो गया। नेक्स्ट हो गया अपना मांसपेशियां, जो मांसपेशियां होती हैं फ्रेंड्स, इसमें जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है इसमें। और थर्ड क्या होने लगता है इसमें, बालों का झड़ना विटामिन B7 या बायोटिन की कमी से होता है, जो शैम्पू वगैरह में भी कई बार लिखा हुआ आता है भरपूर मात्रा में बायोटीन है या विटामिन B7 है या विटामिन H है। और इसे फ्रेंड्स विटामिन H के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह पाइरूविक अम्ल एवं बसी अम्लों की उपापचय में क्या होता है, कोएंजाइम की भांति क्या करता है, ये कार्य करता है। तो मैं इसके जो कार्य होता है मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या होता है, यह पाइरोविक अम्ल एवं जो बसीय अम्ल होते हैं फ्रेंड्स, बसीय अम्ल, पाइरोविक अम्ल एवं बसीय अम्लों की, उपापचय में को एंजाइम की भांति
कार्य करता है। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, ये डाइजेशन क्रिया होती है, जो डाइजेशन क्रिया होती है, डाइजेशन क्रिया को बढ़ाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स आज अपन ने विटामिन B6 एंड विटामिन B7 के बारे में पढ़ा था, और जो विटामिन B3 के बारे में कुछ छूट गया था उसके बारे में भी फ्रेंड्स डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फ्रेंड्स।